दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे फाइल टैब अंतर्गत नया फाइल बनाना, फाइल को सेव करना, फाइल ओपन करना और सेव एज ऑप्शन का उपयोग करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल भूषण चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम न्यू फाइल बनाना सीख लेंगे। तो एमएस वर्ड में नया फाइल कैसे बनाते हैं दोस्तों, इसके दो तरीके हैं। एक आप कीबोर्ड के ऊपर शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नया फाइल खुल जाएगा दोस्तों। और यहाँ से आप फाइल मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिख जाएगा दोस्तों, यहाँ से आप नया फाइल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए दोस्तों वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर नया फाइल क्रिएट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ टाइप करते हैं दोस्तों। दोस्तों तो हमने इसे टाइप कर लिया है, दिस इज माय फर्स्ट फाइल। तो अब हम इसे सेव करेंगे दोस्तों। तो सेव कैसे करते हैं, आप कीबोर्ड पे कंट्रोल यस प्रेस करके भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आप फाइल मेनू में जाकर यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करेंगे तब भी ये फाइल सेव हो जाएंगी दोस्तों। तो हम इसे सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन चूज कर लेना है दोस्तों कि ये फाइल आपको कहाँ पे सेव करना है। मैं यहाँ पे फिलहाल डेस्कटॉप चूज कर लेता हूँ और इस फाइल को नाम दे देता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट फाइल, और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा फाइल सेव हो गया है, यहाँ पे टाइटल बार पे लिख के आ गया है दिस इज माय फर्स्ट फाइल। उसके बाद दोस्तों हम फिर से एक नया फाइल बना लेंगे, यहाँ पे हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नया फाइल आ चुका है। तो अभी अभी हमने जो फाइल सेव किया है दोस्तों उसे ओपन कैसे करें, तो चलिए हम देख लेते हैं। ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड पे कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे फाइल ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। या फाइल मेनू में जाके यहाँ से ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए ये हमारा पहला सेव किया हुआ फाइल था दोस्तों, दिस इज माय फर्स्ट फाइल। तो इसे हम ओपन कर लेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पहले सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट था, फाइल था, वो हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। अब हमें यदि इसमें कोई चेंजेस करना है दोस्तों या इस फाइल को एडिट करना है तो हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फाइल को एडिट कर दिया है दोस्तों और इसे हम दूसरे नाम से सेव करेंगे। तो आपको यहाँ पे फाइल मेनू में जाकर सेव एज के बटन पे क्लिक करना है। सेव एज के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इस फाइल का लोकेशन चूज कर लेना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप चूज कर लेता हूँ दोस्तों फिर से, और इस फाइल को नाम देता हूँ दिस इज माय सेकेंड फाइल, और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दूसरा फाइल बन चुका है और जो हमारा पहला फाइल था दोस्तों वो भी डेस्कटॉप पर वैसे ही सेव है दोस्तों। हम उसे ओपन करके देखते हैं। तो हम कीबोर्ड पे कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे दोस्तों और यहाँ से दिस इज माय फर्स्ट फाइल फिर से ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फिर से हमारा जो पहला वाला फाइल था वो ओपन हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों हम फाइल मेनू में न्यू, ओपन, सेव और सेव एज के चारों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा दोस्तों, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों से ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। और साथ ही साथ हमारा टेक्निकल भूषण चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही वर्ड के सारे पार्ट आपको देना चाहते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए टेक्निकल भूषण।